हाय दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी बिना प्याज और लहसुन के चने दाल और गोभी की सब्ज़ी। हम चने की दाल को 4 घंटे पहले भिंगा दिए थे। हमने फूल गोभी ले लिया है, इसे अच्छे से हमने कट कर लिया है। हमने 2 टमाटर भी कट कर लिए बीज निकाल के। थोड़े से हमने मसाले ले लिए हैं, हमने थोड़े साबुत मसाले लिए, धनिया लिया, जीरा मिर्च लिया, थोड़ा सौंफ, दालचीनी, और थोड़े से हमने गर्म मसाले लिए, काली मिर्च पीसी हुई ले लिया है। हम सारे साबुत मसालों को अच्छे से हम भून लेते हैं और इसको मिक्सचर में डाल के हम बारीक पीस लेते हैं। तेल हमने गरम कर लिया, बड़ी इलायची, थोड़ा सा जीरा डालिए, सब मसालों को ऐड कर लेते हैं। इसमें थोड़ी सी हमने हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डाला, 1 चम्मच गरम मसाला डाला, आधा चम्मच चाट मसाला डाला है, थोड़ी सी हमने काली मिर्च पीसी हुई डाली है, और थोड़ी सी हमने सब्जी मसाला। इन सबको अच्छे से हम सीटी लगा देते हैं। हमने इसमें 3 सीटी लगाया है। अब इसमें चने की दाल को डाल देते हैं, उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम 2 कप पानी डाल के इसमें हम 3-4 सीटी और लगा लेते हैं। अब हम फूल गोभी को अच्छे से धो लेते हैं और इसको अच्छे से एक बार उबाल आने देते हैं। इसमें नमक डाल के अच्छे से उबाल लेते हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं पानी छान के। तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें थोड़ा जीरा डालते हैं और हम सारे फूल गोभी को डाल के अच्छे से हम भून लेते हैं। चने की दाल हमारे अच्छे से गल गई, इसमें हमने 5 सीटी लगाया था। अब फूल गोभी को इसमें ऐड कर लेते हैं, टमाटर को भी इसमें ऐड कर लेते हैं। अब इसमें 1 कप पानी और ऐड कर लेते हैं, इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें 1 सीटी और लगा लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सब्ज़ी हमारी बनेगी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए हमने 1 सीटी लगाया, कितनी टेस्टी यम्मी सब्ज़ी बन गई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए। बाय दोस्तों।